तो गाइस फाइनली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने रिप्लाई कर दिया है पबजी मोबाइल इंडिया के ऊपर। और ये जो रिप्लाई है भाई, ये एक बैड न्यूज़ हो सकता है पबजी मोबाइल इंडिया के लिए, ठीक है। अब बैड न्यूज़ हो सकता है, क्या हो सकता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, जिसके सुनने के बाद आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि पबजी मोबाइल इंडिया प्ले स्टोर पर बहुत जल्द दिखने वाला है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने फाइनली रिप्लाई किया हुआ है अपने ट्विटर अकाउंट पर। मैंने इसको चेक किया एंड वेरीफाई भी किया, तो मुझे वहाँ पर ये पोस्ट मिला और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिप्लाई भी देखने को मिला कि एक उनके माइक्रोसॉफ्ट के फॉलोअर या पबजी इंडिया के जो मतलब पबजी के एक प्लेयर ने वहाँ पर के पूछा हुआ था कि क्या आपको PUBG मोबाइल इंडिया से रिगार्डिंग कोई न्यूज या कोई अपडेट है क्या। तो फाइनली यहाँ पे जैसे कि अभी देख पा रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट ने रिप्लाई किया हुआ है और उन्होंने साफ साफ ये चीज़ बोला हुआ है कि इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है, अभी तक हमें नहीं मिला है। एंड PUBG मोबाइल इंडिया से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो सीधे आप PUBG मोबाइल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए। तो देखो यार, ये एक चीज़ बैड न्यूज़ हम नहीं कह सकते इसको, क्योंकि हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो है वो इसका रिप्लाई नहीं देना चाहता है, कोई भी चीज़ लीक्स नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब सारी चीज़ों के लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो है वो ऐसा रिप्लाई किया हो। बट जो सेकंड न्यूज है ना भाई, ये सुनने के बाद आप मतलब एकदम जबरदस्त मजा ही आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अभी जो आर्टिकल अभी यहाँ पे देख रहे हो, ये आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि पबजी मोबाइल इंडिया जो है वो PUBG मोबाइल कॉरपोरेशन के तरफ से और उनके डेवलपर के तरफ से प्ले स्टोर पे भेज दिया गया है फॉर रिव्यू के लिए। रिव्यू का मतलब कि सारी चीज़ें चेकआउट करने के लिए वहाँ पे भेज दिया गया है। तो अब अगर रिव्यू के लिए भेज दिया गया है, तो जैसे ही ऐप का सब कुछ डेवलप और डेवलपर जो है वो यहाँ पे, जैसा कि अभी ये भी लिखा हुआ है कि अगर डेवलपर जैसे ही कन्फर्म करते हैं, उसके बाद गूगल जो है वो प्ले स्टोर पर इसको तुरंत लोड कर देगा। तो भाई ये न्यूज़ तो एकदम ज़बरदस्त है, एकदम रापचिक है। इसको सुनने के बाद तो इतना कन्फर्म हो गया कि PUBG मोबाइल इंडिया में बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक ऑफिशियली तरीके से कहीं से भी ये नहीं है कि डेट का कंफर्म हुआ है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो अभी तक कहीं रिप्लाई दिया ही नहीं है इसके बारे में कि PUBG मोबाइल इंडिया में कब तक अनबैन होगा। तो देखो यार, एक चीज़ ध्यान से समझो, जब PUBG मोबाइल इंडिया में बैन होने वाला था तो उससे पहले कई सारे न्यूज आए, कई सारे आर्टिकल्स आए जिसमें कि ये बोला जा रहा था कि PUBG मोबाइल इंडिया में बैन होगा, बैन होगा, बैन होगा। एंड लास्टली इंडियन गवर्नमेंट का रिप्लाई आता है कि PUBG मोबाइल इंडिया में बैन होने वाला है, ठीक है, मतलब हो जाएगा आज या कल में हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे गवर्नमेंट तो ये तो नहीं है ना कि पहले ही आके बोल दी गवर्नमेंट कि नहीं, PUBG मोबाइल इंडिया में आज ही बैन होगा और अचानक बैन हो गया था। ऐसा नहीं हुआ था, पहले छोटी छोटी न्यूज आई थी, फिर अचानक इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था बैन हो जाएगा PUBG मोबाइल इंडिया बहुत जल्द, मतलब आज या कल में बैन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वही चीज़, सेम चीज़ हो रहा है, यहाँ भी छोटी छोटी न्यूज आना शुरू हो चुकी है, PUBG मोबाइल इंडिया में कमबैक करेगा, कमबैक करेगा, कमबैक करेगा। एंड फिर अचानक जो होगा, जब एकदम कमबैक करने के वो टाइम में आएगा, तो फिर यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो PUBG मोबाइल को एकदम नॉर्मली अनबैन कर देगा। अब एक चीज़ और भी आपको प्रूफ दे रहा हूँ, कल जो लोग आप लोगों ने जो मेरा वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। एंड आप भी वो चीज़ ट्राई कर सकते हो और जाके खुद गूगल प्ले पे देख सकते हो कि PUBG मोबाइल इंडिया में रजिस्टर जो किया हुआ है उस किस नाम से रजिस्टर किया है, कौन सी आईडी है, कहाँ पे रजिस्टर किया, वो सारी चीज़ें देख सकते हो। तो इसका मतलब जब अगर कॉरपोरेट मिनिस्ट्री पे PUBG मोबाइल इंडिया का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के विदाउट परमिशन के वो वहाँ पे कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है, तो जब यहाँ पे कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है PUBG मोबाइल इंडिया में अनबैन करने से। तो अभी फाइनली इतना जान लो कि अभी जो ये छोटी छोटी न्यूज आ रही हैं, और जिस दिन PUBG मोबाइल इंडिया एकदम अच्छे तरीके से लॉन्च करने के मूड में हो जाएगा, तो उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट भी जो है उसको परमिशन दे देगी। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो डेट है वो डेट हमें लग रहा है कि 2 दिसंबर के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि कब तक कब PUBG मोबाइल इंडिया आएगा, या उससे पहले भी पता चल सकता है, ठीक है। और कई लोगों के मन में ये भी है कि PUBG मोबाइल इंडिया जब आ जाएगा तो हम अपने अकाउंट को कैसे पाएंगे, पिछला अकाउंट अचीवमेंट, ये सब सारी चीजें। तो आपको सिंपली ये करना है कि PUBG मोबाइल इंडिया को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद बस आपको सिंपल चीज करना है कि बेसिक सेटिंग में जाना है, जहां पे आप गूगल या अपने फेसबुक से लॉग इन किए हैं, उसके जस्ट नीचे देखिएगा तो डाटा ट्रांसफर का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके यहां पे डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो
ये चीज सारी चीज क्लियर हो गया है, पबजी मोबाइल इंडिया में बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं है। तो बस अब देखना यह है कि पबजी मोबाइल इंडिया कब तक और कब कंफर्म डेट आ जाता है और यहाँ पे। और उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर का जो रिप्लाई आया हुआ है उसको हम बैड न्यूज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखो यार कोई भी जब दो बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में ये होता है ना, बॉन्डिंग होती है या पार्टनरशिप होता है या फिर ऐसा कुछ होता है ना, तो उनको एक रूल और रेगुलेशन बुक पे साइन करवाया जाता है, किसी बॉन्ड पे साइन करवाया जाता है कि आप कोई भी चीज़ कंपनी से रिलेटेड ऑफिशियली बिना बताए हुए लीक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट इसी वजह से उनका रिप्लाई इस वे में दिया हो, ठीक है। तो ये कोई बैड न्यूज़ नहीं है, उनका भी कहना सही है और आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो जैसे ही सारी चीज़ें आएंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, सिर्फ 350 सब्सक्राइबर चाहिए फॉर 3K EVS फैमिली के लिए। तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट और कंप्लीट करवाओ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड लव यू गाइज़।